अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने ब्लॉगर पे मेन्यू टैब डाउन मेन्यू किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मेन्यू टैब डाउन मेन्यू क्या होता है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा ब्लॉगर है जो हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था और इस पर हमने थीम अप्लाई कर दिया था। इस पे ये जो हैं मुख्तलिफ किस्म के मेन्यूज जिनको हम कहेंगे होम है, फीचर पोस्टिज हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, डाउनलोड दिस टेम्पलेट है, ठीक है। ये इसके मेन्यूज हैं। बाज लोग इसको पेज कहते हैं, ये पेज नहीं होते, ये मेन्यूज होते हैं। पेज जो चीज़ होती है, मेन्यू और चीज़ होती है। और टैब डाउन मेन्यू क्या है, ये जैसे मैं इस पे आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे आ गया वेब डॉक्यूमेंटेशन और वीडियो डॉक्यूमेंटेशन। ये जो है ये इसका टैब डाउन मेन्यू है। मतलब कि जैसे ही इस वाले मेन्यू पे हम लोग टैप करेंगे नीचे डाउन में और मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। इसी तरह मैं फीचर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मल्टी ड्रॉप डाउन है और इधर शॉर्ट कोड है और ये जो है सारा ये इसका टैप डाउन मेन्यू है। ये मेन्यूज हो गए होम, फीचर, डॉक्यूमेंटेशन और डाउनलोड दिस टेम्पलेट। और जैसे ही इन पे हम आते हैं ये जो नीचे आ गए हैं मेन्यूज मुख्तलिफ किस्म के, ये टॉप डाउन मेन्यूज हैं। ये हमारा थीम था। थीम आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अभी इस क्लास में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग मेन्यूज किस तरह बना सकते हैं और इनको रीनेम किस तरह कर सकते हैं। अगर नया मेन्यू बनाना चाहते हैं वो किस तरह बना सकते हैं। किसी एक मेन्यू के अंदर हम लोग अगर टैप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं तो हम लोग वो किस तरह बना सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे ब्लॉगर पे आता हूँ। आपने ब्लॉगर को लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपके पास पेजी से नीचे लेआउट का ऑप्शन है। आपने लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके जितने भी थीम के ऑप्शंस हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस होते हैं, हीडर है, ये लोगो है, ये मेन्यूज है, ये मेन बार है, नीचे फुटर होता है, ये सारे आपके यहाँ पे शो होंगे। इनमें से हमने सबसे पहले मेन्यू चेंज करना है तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मेन्यू, मेन मेन्यू, ड्रॉप डाउन, मल्टी ड्रॉप डाउन और मेगा मेन्यू ये आ गया है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट और ये इधर छोटी सी पेंसिल बनी है, एडिट का ऑप्शन है, हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका नेम वगैरह चेंज भी कर सकते हैं कभी करना चाहें। मैं इसको लिंक लिस्ट रहने देता हूँ। तो ये जितने भी मेन्यूज बने थे ये सभी मेन्यूज यहाँ पे आ गए हैं, देख लें, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इन सबको पहले डिलीट कर दूँ क्योंकि इनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं है। ये जो बने हुए हैं सिर्फ होम का मेन्यू मेरे काम का है, उसको रहने देंगे, बाकी सबको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो मैं वन बाय वन, ये डिलीट का ऑप्शन है, ये बकेट बनी है डिलीट वाली, हम वन बाय वन इन पे क्लिक करके इन सबको डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, ये होम वाला मेन्यू हमारा रह गया। इसके अलावा हमने बाकी सब मेन्यूज डिलीट कर दिए। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे देख लें कि हम दो दफा फाइल को सेव करेंगे। एक दफा हम लोग इस जगह से सेव करेंगे। अभी ये अपडेट नहीं होगा, शायद कोई इशू आ गया। अपडेट हो गया, ये नेट की वजह से आपका ये थोड़ा अपडेटिंग में टाइम ले सकता है। इसको हम लोग यहाँ से दोबारा, ये जो छोटा सा मेमोरी कार्ड बना है यहाँ से हम लोग दोबारा सेव करेंगे। पहले हमने यहाँ पे मेन्यू सेव किया, फिर हमने यहाँ पे थीम की जो लेआउट है वो सेव की। अभी मैं जॉबलैंड पे आता हूँ तो जैसे मैं अपने इस ब्लॉगर को रिफ्रेश करता हूँ तो देख लें कि यहाँ से मेरे सब मेन्यूज खत्म हो चुके हैं, सिर्फ होम वाला मेन्यू गया चुका है, ठीक है। ये है होम वाला मेन्यू। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम इधर जो जो मेन्यू बनाना चाहते हैं हम वो मेन्यू बना लेंगे। मैं चाहता हूँ होम के बाद आ जाए गवर्नमेंट जॉब्स, उसके बाद आ जाए प्राइवेट जॉब्स, उसके बाद आ जाए सीवीज, ठीक है। मैं तीन मेन्यू बनाना चाहता हूँ तो मैं अगेन लिंक लिस्ट में आऊंगा, मेन्यू में, लेआउट में आके। मेन्यू में आने के बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे है एड अ न्यू आइटम, सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, साइट नेम, साइट नेम में हमने लिखना है यहाँ पे GOVT जॉब्स, ठीक है। और लिंक अभी मैं नहीं कोई भी लगा रहा, इनको लिंक मैं किस तरह लगाते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरह हम न्यू एक दूसरा मेन्यू बनाते हैं, नीचे आते हैं, न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्राइवेट जॉब्स, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स। तीसरा मेन्यू बनाना चाहते हैं सीवीज का, अगर कोई बंदा अगर सीवी अपनी डाउनलोड करना चाहता है या ऑनलाइन बनाना चाहता है तो मैं यहाँ पे सीवी सैंपल, ठीक है। ये मैंने तीन मेन्यू बना लिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से हमने अगेन सेव करना है,
अगेन सेव करने के बाद हम लोग इधर जॉब लैंड पे आते हैं और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देख लें कि हमारे जो मेन्यू हमने बनाए थे होम के आगे गवर्नमेंट जॉब्स है, प्राइवेट जॉब्स है और सीवी सैंपल है। तो जब किसी पे भी क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने इस पे लिंक नहीं लगाया हुआ तो ये ब्लॉक्ड का ऑप्शन आएगा हमारे पास। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि हमने इस पे लिंक किस तरह लगाना है। लिंक आपने क्या करना है कि आपने सिंपल यहाँ पे जो आपके ब्लॉगर का एड्रेस है आपने इसको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी। इसके बाद आपने लेआउट में आना है, उसके बाद सेम वही चीज आपने मेन्यू में आना है। मेन्यू में आने के बाद हमने मेन्यू को एडिट करना है। जिस तरह मैं इस मेन्यू को गवर्नमेंट जॉब्स पे लिंक लगाना चाहता हूँ, एडिट किया मैंने। एडिट करने के बाद आपने अपने ब्लॉगर का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने लिखना है सर्च, फिर आपने ओब्लिक लगाना है, फिर आपने लिखना है लेबल, फिर आपने ओब्लिक, फिर आपने लिखना है गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, इसमें आपने स्पेस नहीं देनी, इसमें आपने डैश डाल देनी है छोटी सी। ठीक है, ये हमने इसको लिंक लगा दी और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से इसको मैं अगेन सेव करता हूँ। और हम लोग दोबारा ब्लॉगर पे आते हैं और ब्लॉगर को हम लोग यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखें कि जैसे ही मैं अपने गवर्नमेंट जॉब्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरा गवर्नमेंट जॉब्स वाला सेक्शन ओपन होता है और यहाँ पे आता है नो रिजल्ट फाउंड। नो रिजल्ट फाउंड इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं लगाई इस लेबल के अंदर। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के लेबल्स हैं, ये देखें यहाँ पे आ रहा है शोइंग पोस्ट विद द लेबल गवर्नमेंट जॉब्स, ये लेबल्स हैं। ठीक है, अभी ये लेबल क्या चीज है, लेबल पे हम लोग पोस्ट किस तरह कर सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे जब हम देखेंगे कि हम पोस्ट किस तरह करना है, किस कैटेगरी में करनी है। अभी जैसे ही मैं प्राइवेट जॉब्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लॉक आ गया, ये देखें अबाउट लिंक ब्लैंक इज ब्लॉक्ड। ये इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पे हमने अभी लिंक नहीं लगाया। तो हम क्या करते हैं कि हम इधर आके मेन्यूज में जितने भी हमारे मेन्यूज हैं हम उनपे लिंक लगा देते हैं। लिंक को दोबारा डिटेल से आप लोग देख ले, लिंक किस तरह लगाना है, आपने मेन्यू एडिट करना है। एडिट के बाद आपने ये साइट यूआरएल है, इधर अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है, ओब्लिक लगाना है, उसके बाद आपने लिखना है सिंपल सर्च, अगेन ओब्लिक, फिर आपने लिखना है लेबल, फिर ओब्लिक, फिर जो भी लेबल का आपका नाम है, जिस तरह हमारे इस मेन्यू का नाम है प्राइवेट जॉब्स, तो आपने लिखना है प्राइवेट, और उसके बाद आपने डैश लगानी है, स्पेस नहीं लगानी। ठीक है, जॉब्स इसको हमने सेव किया यहां से। इसी तरह हम लोग सीवी सैंपल पे लिख लेते हैं, एडिट करता हूं मैं इसको। यहां पे हमने अपने ब्लॉगर का एड्रेस पेस्ट किया, नीचे सर्च लिखा, ओब्लिक लेबल, ओब्लिक सीवी डैश सैंपल। ठीक है, ये कर दिया, इसको मैं सेव करता हूं। अब हमने बनाना है ड्रॉप डाउन मेन्यू। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो होम है गवर्नमेंट जॉब्स है, जैसे ही कोई भी मेंबर इस पे क्लिक करे यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आए, पंजाब जॉब्स, सिंध जॉब्स, केपीके जॉब्स, इस तरह। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक नया मेन्यू क्रिएट करते हैं, एड अ न्यू मेन्यू। यहां से थोड़ा मैं नीचे जाता हूं और यहां पे हम लिखते हैं पंजाब जॉब्स, और इसको हमने नीचे लिंक साथ में दे देते हैं, ओब्लिक सर्च, ओब्लिक लेबल, ओब्लिक पंजाब डैश जॉब्स। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह ऐड अ न्यू आइटम पे आते हैं अगेन, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंध जॉब्स, और नीचे सेम लिंक लगाने का मेथड जो बता दिया गया है, सर्च अगेन ओब्लिक लेबल ओब्लिक सिंध डैश जॉब्स, इसको भी मैं सेव करता हूँ और इसको भी मैं सेव करता हूँ यहाँ से। और यहाँ से अगेन इसको हमने फिर से सेव करना है थीम को। जैसे ही हमने थीम को सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग मेन मेन्यू में जाएंगे यहाँ पे। अभी ये सेव नहीं होगा, अब जी सेव हो चुका है। अभी हम लोग आ जाएंगे मेन ब्लॉगर पे और इसको अगेन हम लोग रिफ्रेश यहाँ से कर देंगे।
तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, क्या होगा कि पंजाब जोज और सिंध जोज जो है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हम लोग क्या चाहते थे कि वो आए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के नीचे। वो पहले मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आपको सही से इसकी समझ आए कि आप इसको ड्रॉप डाउन में किस तरह लेके जा सकते हैं। तो ये है पंजाब जॉब्स और सिंध जॉब्स। मैं चाहता हूँ इन दोनों को मैं गवर्नमेंट जॉब्स के ड्रॉप डाउन में ले जाऊं, जिस तरह मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि ड्रॉप डाउन क्या चीज है। तो आपने इसमें भी कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपने अपने मेन्यू को एडिट करना है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो पंजाब जॉब्स है गवर्नमेंट जॉब्स के नीचे शो, जैसे ही हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स पे क्लिक करें तो हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाए। तो सिंपल क्या करता हूँ, ये दो चीजें हैं यहाँ पे, ये आपने देख लेनी है, ये एरो कीज बनी हुई हैं। आपने इसको मूव दिस आइटम अप और साथ में मूव दिस आइटम डाउन, आप इसको अप या डाउन कर सकते हैं। हम इसको अप लेके जाएंगे, ठीक है, इसको हम वन बाय वन अप लेके जाएंगे, इसको अगेन अप किया मैंने, इसको तब तक अप करते हैं जब तक ये गवर्नमेंट जॉब्स के नीचे ना चले जाए। जी तो ये गवर्नमेंट जॉब्स के नीचे आ गई, इसके नीचे सिंध जॉब्स है। सिंध जॉब्स में भी अगेन मैं इसको अप करता हूँ, फिर से हम इस पे आते हैं सिंध जॉब्स पे, फिर अप करते हैं, ठीक है। अब ये है कि ये जो हमारे मेन्यूज हैं गवर्नमेंट जॉब्स के नीचे पंजाब जॉब्स आ गया, उसके नीचे सिंध जॉब्स आ गया, इनको हमने अगेन एडिट करना है क्योंकि हम इनको गवर्नमेंट जॉब्स के नीचे लेके आना चाहते हैं। तो आपने इस मेन्यू के जो साइट का नेम आपने रखा है, सबसे पहले आपने आना है और यहाँ पे सिंपल डैश लगा देनी है, ये वाली डैश है जो एक, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। डैश यहाँ पे आपका कीबोर्ड साइड पे शो हो गया, आप लोग देख सकते हैं कि आपने डैश किस तरह लगानी है, शिफ्ट के साथ आपने डैश लगानी है, सिंपल डैश नहीं लगानी। तो यहाँ पे अगेन मैं इस पे भी आता हूँ सिंध जॉब्स पे भी, और इसको भी मैं एक डैश यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अगेन हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे और अगेन हम थीम की सेटिंग को सेव करेंगे। जो थीम की सेटिंग है ये सेव होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, इसमें कोई भी ज्यादा नहीं है। जी थीम की सेटिंग सेव होगी, अभी देखेंगे ये हमारा पंजाब जॉब जो सिंध जॉब इस जगह पे है, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देख लें कि पंजाब जॉब्स और सिंध जॉब्स यहाँ से खत्म हो चुके हैं, और जैसे ही मैं गवर्नमेंट जॉब्स पे आता हूँ तो ये यहाँ पे नीचे शो हो गए हैं, ठीक है। ये है हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू। पहले हमने क्या किया, हमने मेन्यूज बनाए, उसके बाद हमने क्या किया कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया। इसमें देखें कि हमारे पास पंजाब जॉब्स और सिंध जॉब्स है। अब मजीद हम इसको लेके जाना चाहते हैं, ये टैप डाउन मेन्यूज है, और अब हम मजीद अगर इसके नीचे जाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जैसे कोई मेंबर पंजाब जॉब पे आए तो यहाँ पे एक मजीद मेन्यू ओपन हो, उसमें आए कि आर्मी जॉब्स है, वावड़ा जॉब्स हैं, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की, उसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। ये मेन्यू है, ये टैप डाउन मेन्यू है, और इस टैप डाउन मेन्यू के अंदर जब किसी मेन्यू पे क्लिक करेंगे फिर जो मेन्यू आएगा वो है ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब हम देखेंगे कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह बनाएंगे। तो सिंपल है, हम सिंपल मैं यहाँ पे एक ही मेन्यू अभी बनाऊंगा ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी लंबी ना हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर्मी जॉब्स, ठीक है, आर्मी जॉब्स। और यहाँ पे हम लोग नीचे अगर आए तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट किया और सर्च ओब्लिक लेबल ओब्लिक आर्मी डैश जॉब्स, ठीक है। ये डैश हमने सिंपल लगाई है, जब हमने ड्रॉप डाउन करना है तो हमने डबल डैश लगानी है। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ ये पंजाब जॉब्स के बाद शो हो, तो मैं इसको यहाँ से अप ले जाऊंगा थोड़ा, ठीक है, इसको अप लेके जा रहा हूं मैं। अब पंजाब जॉब्स के नीचे ये मेरा आर्मी जॉब्स आ गया है, तो मैं इसको अगेन एडिट करूंगा और आर्मी जॉब्स के स्टार्ट में मैं इसको डबल स्लैश कर दूंगा। अगर हमने टैप डाउन मेन्यू बनाना है तो सिंगल स्लैश, और अगर हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है तो हम लोग डबल स्लैश लगाएंगे। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अगेन सेटिंग सेव की और अगेन यहाँ से भी हमने सेव कर दी।
तो यहाँ पे सेविंग पे थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास जो मेन्यूज है हमारे आ गए हैं। गवर्नमेंट जॉब्स पे आता हूँ तो देखें कि इसके नीचे एक मजीद मेन्यू बन चुका है पंजाब जॉब्स का, और पंजाब जॉब्स के आगे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आर्मी जॉब्स का हमारे पास मेन्यू आ चुका है। ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास अभी नीचे आर्मी जॉब्स का भी आ चुका है। इसी तरह हम मजीद यहाँ पे लगा सकते हैं मेन्यूज, आर्मी के नीचे वापडा जॉब्स हैं और इस तरह नीचे मजीद। और अगर हम इसके भी आगे मेन्यू लेके जाना चाहते हैं आर्मी जॉब पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाए आर्मी में, मतलब के पाक आर्मी पाक नेवी। तो आप जो हमने स्लैश लगाई थी उधर, आप डबल स्लैश की जगह पे 3 स्लैश लगाएंगे तो वो इससे भी मजीद आगे चला जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने देखा कि मेन्यू क्या चीज है, मेन्यू को हम लोग किस तरह बना सकते हैं, मेन्यू को चेंज किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या चीज है, टैब डाउन मेन्यू सॉरी टैब डाउन मेन्यू हम किस तरह बना सकते हैं, सिंपल क्या हमने सिंपल मेन्यू बनाना है उसको स्लैश लगा देनी है तो वो टैब डाउन हो जाएगा। टैब डाउन मेन्यू के बाद हम लोगों ने देखा कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह बना सकते हैं, जो अभी हमने बनाया ये पंजाब पुलिस के पंजाब जॉब्स के आगे आर्मी जॉब्स आगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग किस तरह ये मेन्यूज ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।